हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये बेबीज की पू यानी पॉटी के बारे में है। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको हिट कर दीजिए। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको मेरे चैनल के कॉन्टेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन को हिट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बेबी के बर्थ के बाद उसका जो पहला पॉटी होता है उसका कलर ब्लैक होता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में मेकोनियम बोलते हैं। ये मेकोनियम एक्चुअली होता क्या है? ये एक्चुअली वो लिक्विड होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसे बोलते हैं, जब बच्चा गर्भाशय में होता है तब वो कुछ फ्लूइड ग्रास कर लेता है, कुछ खा गया होता है, तो वो फ्लूइड जब पॉटी के थ्रू पहले 3-4 दिन में आता है तो जिसको मेकोनियम बोलते हैं, इसका कलर ब्लैक होता है। और 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे ग्रीनस पॉटी, उसके बाद धीरे धीरे येलो में आता है, तो 10-12 दिन तक वो येलो पॉटी तक हो जाता है। अगर बेबी आपका येलो पॉटी कर रहा है तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी बार पॉटी करना सही माना जाता है। बच्चों की पॉटी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे अगर पॉटी दिन में 8-10 बार भी करते हैं तो ये भी नॉर्मल ही माना जाता है, और हफ्ते में अगर एक बार भी पॉटी किए तब भी ये नॉर्मल ही है। बच्चों के केसेस में ये नॉर्मल ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब ब्रेस्ट फीड में होते हैं तब ब्रेस्ट फीड में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जो बच्चों का पॉटी होता है उसको बहुत स्मूथ कर देता है और बहुत लिक्विड जैसा कर देता है, जिससे कि एवरी फीड के बाद बच्चों का पॉटी निकल जाता है। और वैसे भी वो ब्रेस्ट फीड में सिर्फ लिक्विड सिर्फ मिल्क ही कंज्यूम करते हैं, तो उसमें उनका पॉटी हार्ड होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस जगह में मैं जरूर बताना चाहूँ, जो बच्चे फॉर्मूला पे होते हैं उनका पॉटी थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसको कि कॉन्स्टिपेटेड मोशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये कॉन्स्टिपेटेड मोशन होता क्यों है? क्योंकि जो फॉर्मूला में होते हैं बेबीज तो उनका लिक्विड लिक्विड के साथ साथ उनको वो सारे विटामिन और सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं जो कि एक मदर जो ब्रेस्ट फीड में होती है वो अपने बेबी को सप्लाई कर सकती है। तो इस वजह से ब्रेस्ट फीड में जो बेबीज होते हैं उन लोगों के लिए एडिशनली कुछ पानी या फिर एडिशनली कोई विटामिन या फिर कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होता, जब तक कि उतना वर्स्ट केस ना हो। तो डॉक्टर्स कैसे सजेस्ट करते हैं कि किस बच्चे को मेडिकेशन की जरूरत है? आप अगर बार बार डॉक्टर विजिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपका बेबी का पॉटी आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरूर याद रखिए, जिससे कि आपको बार बार डॉक्टर विजिट करना नहीं पड़ेगा और छोटी मोटी चीजों के सोल्यूशन आप घर में ही निकाल सकते हैं। तो अपनी बेबी जब पॉटी कर रहा हो तो पहले आप देखिए, अगर आपका बेबी का पॉटी का कलर ग्रीनस येलो है या फिर प्योर येलो है, तब आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। दिन में अगर 8-10 बार भी बेबी पॉटी कर रहा है तब भी उसको लूज मोशन नहीं हुआ है, वो नॉर्मल कंडीशन में है और नॉर्मल तरीके से पॉटी कर रहा है। कुछ बेबीज भी कुछ दिन तक भी 8-10 दिन तक भी पूप नहीं करते हैं, 8-10 दिन में एक बार भी करते हैं तब भी इसको नॉर्मल माना जाएगा। नॉर्मल तब तक ही माना जाएगा जब तक कि बेबीज का पेट नहीं फूल रहा है या फिर उनको कोई पॉटी नहीं होने की वजह से कुछ अनइजी फील हो रहा है या फिर उनका तबीयत खराब हो रहा है, बुखार आ रहा है या हाथ फिर अगर गर्म होना देख रहे हैं या फिर कुछ अनकंफर्टेबिलिटी बच्चे में अगर आपको फील हो, तब आप प्लीज डॉक्टर विजिट जरूर करिए। लेकिन जब तक कि बेबीज का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उनका पॉटी नहीं होने की वजह से, तब तक आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और डॉक्टर्स के पास आप जाओगे भी, डॉक्टर इमिडिएटली ब्रेस्टफीड बच्चों को मेडिसिन नहीं देते हैं। मैं आपको जरूर इस पॉइंट पे बताना चाहूंगी कि जब गूगल 2 महीने का था तब इसका पॉटी 1 हफ्ता तक नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गई थी। मैं डॉक्टर से पूछने लगी कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, इसका पॉटी हो क्यों नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर्स मुझे अच्छी तरह से इस बारे में समझा दिए कि आखिर पॉटी दिन में भी अगर बच्चा 10-12 बार भी कर रहा है तब भी इसको नॉर्मल ही माना जाएगा, और अगर हफ्ते में 1 बार भी वो करेगा तब भी ये नॉर्मल माना जाएगा। मॉम्स के लिए ये एक सजेशन है कि प्लीज आप पेशेंस के साथ वेट करिए,
करिए जब तक कि आपका बेबी कुछ भी अनकंफर्टेबल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। और अगर आपका बेबी ठीक है तो फिर वो खेलेगा एज यूजल, नॉर्मल एक्टिविटीज करेगा, तब तक आप बिल्कुल भी वरीड मत होइए। और ऐसा आप क्या करें जिससे कि बेबीज का लूज मोशन या फिर हार्ड कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेटेड मोशन ना हो, तो इसमें बस एक ही चीज है कि आप अपना खान पान का ध्यान रखिए। आप जितना हो सकता है फूड्स, वेजिटेबल्स, जितने मिनरल्स आप खाएंगे वो सारा अल्टीमेटली बेबी का पूप में ही दिखेगा। तो इसी वजह से आप अच्छा हेल्दी डाइट में रहिए तो बेबी का कॉन्स्टिपेटेड मोशन नहीं होगा। और मैं आपको इस टाइम पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि तीन चीजों में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पहला, तो अगर आपका बेबी का पूप का कलर ब्लैक हो या फिर रेडिश हो तो फिर इमीडिएटली आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए। ये हो सकता है कुछ इन्फेक्शन का कारण या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको डायग्नोसिस की जरूरत बहुत ज्यादा है। सेकेंड है, आपका बेबी का पूप में अगर फसल्स 10 नंबर से ज्यादा हो, बेबी का पूप जो एकदम फ्लूइड होते हैं तो एकदम सेमी लिक्विड टाइप का होते हैं, तो उस थोड़ा बबल्स या दानेदार वो थोड़ा ज्यादा लगे, तब हो सकता है ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, तब भी आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, अगर आपका बेबी का पेट फुला गया है, वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको डकार नहीं आ रहा है या फिर वो खाने के बाद उल्टी कर दे रहा है बार बार, और इन सब का रीजन हो सकता है कि आपका प्रॉपर तरीके से आपका बेबी पॉटी नहीं किया है, तो इस सब सिचुएशन में, ये तीन सिचुएशन में आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट करिए अगर इन तीनों चीजों में से कुछ भी आपके बेबी में आपको दिखा दो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का कॉन्टेंट अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को हिट जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उससे क्या होगा कि मेरे चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपलोड्स हैं, इन सबके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल के रिगार्डिंग कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर बताइए। जिससे आज के लिए बस इतना ही। आज का किडो क्विज सेशन मिस मत करिए। ये रिज लकी साइनिंग ऑफ।